Students, how are you all? A very warm welcome. Now, in 10 class mass revision, we are on the topic terminating and non terminating decimal expansion, and this is the last video of revision of real numbers. Two videos we have already done, and we have all covered the topics remaining topics. And this is the last topic. So, students, in this topic, first you take the decimal expansion. What is decimal expansion? When we convert means when we in the rational number p upon q means suppose the rational number is you take any rational number 5 upon 2 when you will divide the numerator by denominator if the answer will come in the decimal form so this is called the decimal expansion so if normal question is there that kindly convert or express this rational number in the decimal expansion form so, you just divide the numerator by denominator and show them the answer in the decimal form. This is called the decimal expansion. Now, we have two types of decimal expansion in this first chapter terminating and non terminating. Terminating and non terminating decimal expansion are of which type? So, uh, like this, I have shown here means terminating decimal expansion are the decimal expansion in which द फिक्स नंबर ऑफ़ डिजिट्स आर देर आफ्टर डेसिमल ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जिनमें डेसिमल के बाद फिक्स नंबर ऑफ डिजिट है मतलब अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहूँ ऐसे रेशनल नंबर जिनमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से ईजिली डिवाइड हो जाता है और पूरा डिवाइड हो जाता है आंसर डेसीमल में आ रहा है बट पूरा डिवाइड हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है और उसमें डेसीमल के बाद क्या है फिक्स नंबर ऑफ डिजिट हैं कितनी भी हैं लेकिन फिक्सड हैं खत्म हो गया एंड हो गया

आई वॉन्ट टू गिव यू एग्जाम्पल इन द रैशनल फॉर्म दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ टर्मिनेटिंगल एक्सपेंशन एंड इफ द नंबर आई एम टेकिंग टॉन फाइव दैन इफ यूड टाइव इट विलस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो पूरे डिवाइड हो जाते हैं एंड इन विच आफ्टर डेसीमल फिक्स नंबर ऑफ डिजिटर क्लियर नाउ नॉन टर्मिनेटिंग

थ्री से डिवाइड करें इफ़ यू आर डिवाइडिंग टेन बाई थ्री सो वॉट विल बी दी आंसर थ्री पॉइंट थ्री 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 मीन्स इट विल नेवर एंड एंड तो नहीं होगा कभी इसका सो दीज टाइप्स ऑफ डेसीमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग क्लियर नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसीमल एक्सपेंशन रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग और देर इज अदर अनदर नेम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग तो रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग से आपको समझ में आ रहा होगा ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग लेने वही ही नॉन टर्मिनेटिंग इन विच अन फिक्स नंबर ऑफ डेसिमल बट इफ द डिजिट डिजिट सेम इज रिपीटिंग और सेम डिजिट्स आर रिपीटिंग अगेन एंड अगेन देन दीज टाइप्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जैसे ये मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया वन पॉइंट थ्री 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 इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन और zero point two seven 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 dot 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 these are non terminating but repeating and then another are non terminating means unfixed number of digits are there but even non repeating also just repeat hai, alag -alag hai. this is zero point zero one then zero zero one then zero 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 one same number of digits are not. सेम डिजिट सॉरी सेम डिजिट्स आर नॉट रिपीटिंग अलग अलग है जो हो रही है आ रही है डेसीमल के बाद सेम डिजिट्स नहीं रिपीट हो रही है पहले जीरो वन था फिर डबल जीरो वन फिर ट्रिपल जीरो वन सेम नहीं है ना एंड डॉट 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 इज़ ऑल्सो देर तो ना ही तो ये एंड हो रहा है और ना ही डिजिट्स रिपीट हो रही है सो दीज टाइप्स ऑफ डेसीमल एक्सप्रेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एंड स्टूडेंट्स ओनली दीज टाइप्स ऑफ नंबर आर इेशनल बस यही वाले नंबर जो होते हैं वो इेशनल होते हैं मीन्स ओनली दीज कैन नॉट बी कन्वर्टेड इन द रैनल फॉर्म दीज आर इजिली कन्वर्टेड हाउ जस्ट यू टेक आउट दाउ मैनी डिजिट आर दैट थ्री तो आपको नीचे क्या लगाना है डिनोमिनेटर में थाउजेंड इफ दिस वन जो टेक आउट द डेमल पॉइंट एंड वन टू थ्री फोर फोर जीरो लगानी है तो दीज आर इजिली कन्वर्टेड इन द रैनल फॉर्म इसे आप रिड्यूस कर देंगे प्रॉपर हो जाएगा And these also can be converted in the rational form by the procedure. This also I will tell you okay how to convert. So convert ho the rational form. But there is no method to convert these numbers into the rational form. So only these types of decimal expansion are irrational numbers. Okay. So I hope this is clear which are terminating, which are non terminating, and these two also. Now I will tell you. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स ओके सो स्टूडेंट द क्वेश्चन इन द क्वेश्चन सो द डेसिमल एक्सपेंशन बी इन द टू फॉर्म ऑनली या तो टर्मिनेटिंग में होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में होंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो हो ही नहीं सकते बिकॉज द नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड इन टू द रैशनल फॉर्म इफ दे हैव गि रैशनल तो दो ही फॉर्म होंगी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड द क्वेश्चन इज दैट चेक और शो दैट विच रैशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसीमल एक्सपेंशन एंड विच विल हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसीमल एक्सपेंशन हमें ये शो करना है सो इफ दिस सिंपल क्वेश्चन इज देय सो वॉट इज द मैथड यू डिवाइड न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर आप न्यूमिनेटर लीजिए and then you divide by denominator so uh, you will point uh, place the point here by placing point this side so it will be the answer will be pura divide again and the answer is 0 0.6 so what will you write that this will have terminating decimal expansion TK but if the questions is students that show

फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर जो डिनोमिनेटर होता, होता है उसके फैक्टर्स में, में लिखा होता है इफ आई विल्पल लैंग्वेज सिंपल लैंग्वेज में यह है कि जो डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स होने चाहिए द फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ टू एंड फाइव पावर मीन्स दो कितनी बार आ रहा है फाइव कितनी बार आ रहा है डजेंट मैटर फैक्टर शुड बी ओनली टू एंड फाइव नॉट अदर देन दैट इन दोनों के अलावा कोई और नंबर का फैक्टर नहीं होना चाहिए इंडिविजुअली टू इज देयर देन ऑल्सो डॉमिनेटिंग इफ ओनली फाइव इज देयर देन ऑल्सो डोमिनेटिंग इफ बोथ आर देर देन ऑल्सो डोमिनेटिंग बट इफ एनी अदर नंबर इज ऑल्सो देयर दो और पांच के अलावा कोई और अगर दूसरा नंबर है देन इट विल है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सटेंशन समझ आ गया सिम्पल लैंग्वेज में सो वॉट वी विल डू वी विल फ्रैक्टर द डिनोमिनेटर बोथ दैन वी विल टेल देम दैट विच विल है उसके पहले क्या करना होता है फर्स्ट इज दैट द फ्रैक्शन रैशनल नंबर हैज टू बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ये बहुत ध्यान रखना है सपोज यू आर नॉट डूइंग कन्वर्टिंग दिस इन दिपलेस्ट फॉर्म एंड यू आर टेकिंग आउट द फैक्टर्स ऑफ फिफ्टीन इट विल बी थ्री एंड फाइव और मैंने क्या बताया कि अगर टू और फाइव के अलावा अगर कोई और नंबर है तो उसका आंसर क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बट द आंसर इज टर्मिनेटिंग तो गलत आ रहा है ना आंसर गलत इसलिए आ रहा है बिकॉज यू हैव नॉट कन्वर्टेड इन द दिम्पलेट फॉर्म पहले आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए ठीक है सो द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस विल बी थ्री अपॉन फाइव एंड द फैक्टर्स ऑफ फाइव इन हाउ टू राइट सिंस फैक्टर्स ऑफ सॉरी फैक्टर्स ऑफ फाइव इन द फॉर्म ऑफ फाइव रेस टू दिल है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि सिर्फ फाइव है ओनली फाइव ओनली टू और बोर्थ तीनों चलेंगे बट नॉट अदर देन टू एंड फाइव नाउ डू द सेकंड वन और क्लियर हो जाएगा दिस इज दिस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इन दिप्लेस फॉर्म दिस इज ऑलरेडी अस फॉर्म तो हम क्या करेंगे फर्स्ट वी विल डू दिक्सटी सिक्सटी के फैक्टर्स करने क्या होंगे टू टू और क्या होंगे थ्री एंड फाइव सो फैक्टर्स आर इन द फॉर्म ऑफ टू रेज टू दावर टू फाइव रेज टू दावर पावर वन मीन्स टू और फाइव के अलावा एक नंबर और आ गया जबकि किस फॉर्म में होना चाहिए टू रिस्ट टू दी पार एन एंड फाइव डेस्ट टू दि पार एन और कोई नंबर नहीं होना चाहिए फॉर्म ऑफ टू रिस्ट टू दी पार एम और फाइव टू दी पार एन और यू कैन राइट सिंस फैक्टर्स आर अदर देन टू एंड फाइव दैन फॉर इट विल हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बस ये क्वेश्चन आता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में से एक ये भी आ जाता है लाइक दे विल गिव यू दिस टाइप ऑफ नंबर एंड दे विल आस्क दैट इट विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल पॉइंट वन मार्क में आएगा सो नो नीड टू सॉल्व जस्ट यू टेक द हाइएस्ट पावर फोर हाइएस्ट पावर कितनी है फोर सो द डेसीमल एक्सपेंशन ऑफ दिस विल दिस नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर फोर डेसीमल पॉइंट दैट्स साइड नाउ ओनली लास्ट वन क्वेश्चन इज लेफ्ट दैट कन्वर्ट द नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो होते हैं है, like आपको बताया था हाउ टू कन्वर्ट दम इंटू द रैशनल फॉर्म अब हम बुक करेंगे ओके सो स्टूडेंट फॉर मोर क्लैरिफिकेशन ऑफ दिस टॉपिक आई हैव टेकन टू क्वेश्चन वी विल सॉल्व बोथ सो फर्स्ट इज वन पॉइंट थ्री बार मीन्स दिस इज नॉट डर्मिनेटिंग रिपीटिंग थ्री इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन क्योंकि बार है उसके ऊपर सो द फर्स्ट स्टेप इज दैट टेक दिस नंबर इक्वल टू एक्स एक्स इज इक्वल टू वन पॉइंट थ्री बार फर्स्ट इक्वेशन ना वॉट यू हैव टू डू यू हैव टू जस्ट सी दैट आफ्टर डेसीमल पॉइंट बार डिजिट इज देर और बार कितनी डिजिट के ऊपर है ओनली वन तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट इक्वेशन में टेन से सबसे पहले क्या देखना है कि डेसीमल के बाद डायरेक्ट बार डिजिट है वेरी गुड बहुत अच्छी बात है और बार कितनी डिजिट के ऊपर है वन सो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय टेन इन फर्स्ट इक्वेशन तो आप पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी टेन एक्स और ये थ्री इधर शिफ्ट हो जाएगा इट विल बी थर्टीन पॉइंट थ्री बार क्लियर हो गया ना जैसे वन पॉइंट थ्री 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 है आप इसमें टेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये थर्टीन पॉइंट थ्री 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 यानी कि थर्टीन पॉइंट थ्री बार हो जाएगा नाउ दिस इज द सेकेंड इक्वेशन

वन पॉइंट थ्री बार तो ये तो हो जाएगा नाइन एक्स एंड इट विल बी थर्टीन माइनस वन बी कैंसल्ड जीरो हो जाएगा सो एक्स विल बी इक्वल टू ट्वेल्व अपॉन नाइन और रिड्यूस करेंगे तो फोर अपॉन थ्री एंड दिस इज द रैशनल फॉर्म ऑफ दिस नंबर इवन यू कैन चेक यू कैन डिवाइड फोर बाय थ्री जब आप फोर को थ्री से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा वन पॉइंट थ्री 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 क्लियर है नाउ कम टू दिस वन फर्स्ट स्टेप टेक इट इक्वल टू एक्स जीरो फर्स्ट चेक दैट आफ्टर डेसिमल डायरेक्ट बार डिजिट्स आर देर और एनी अदर डिजिट इज ऑल्सो देर यहाँ पे एक डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है फर्स्ट यू हैव टू शिफ्ट फोर डेसीमल सबसे पहले जो डिजिट है जिसके ऊपर बाढ़नी है आपको वो डेसीमल uh, पॉइंट के लेफ्ट uh, साइड में शिफ्ट करनी है सो so, कितनी डिजिट है ओनली वन सो यू मल्टीप्लाई बाय टेन सो इट विल बी टेन एक्स वन पॉइंट टू सेवन बार ये हो जाएगी आपकी सेकेंड इक्वेशन दिस इज दिस वॉज द फर्स्ट इक्वेशन फिर मैंने आपको बोला था देट यू चेक इन बोथ इक्वेशन इक्वेश सेम नंबर आर देर नो इसमें क्या है वन टू सेवन और इसमें है टू सेवन बार तो अभी भी नहीं हुआ नाउटर मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड इन इक्वेशन सेकेंड तो जब आप इसमें हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा थाउजेंड एक्स और ट्वेंटी सेवन शिफ्ट हो जाएगा इधर की साइड सो इट विल बी वन टू सेवन पॉइंट टू सेवन बार ये हो जाएगी आपकी थर्ड इक्वेशन नाव यू सीन सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन आफ्टर डेसीमल बोथ आर सेम बोथ नंबर सेवन बार ट्वेंटी सेवन बार सो नाव वी कैन सब्ट और किसमें से कौन सी सब्टेक्ट करनी है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम थर्ड तो पहले हम थर्ड वाली लिखते हैं देन वी विल राइट सेकेंड So, 1000 minus 10, 990x, and this will be cancelled and it will be 126. So, x will be 126 upon 990, and then reduce it, then you will get the rational form of this number. दिस आर दी मैथड्स मैथड सेम है बस थोड़ा सा आपको देखना है बार कितने डिजिट के ऊपर है और कैसे मेन आपको क्या देखना है मेन आपको देखना है कि ऐसी दो इक्वेशन बनानी है जिसमें पॉइंट के बाद की वैल्यू जो बार वैल्यू है वो पॉइंट के बाद दोनों इक्वेशन में सेम हो जिससे आप उन्हें कट करके रैशनल फॉर्म में इजिली कन्वर्ट कर सकें ठीक है आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर सो वी हैव डन स्टूडेंट्स द रिविजन ऑफ रियल नंबर्स इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन Which is not understandable, or any other topic which you want to understand, so you can write and comment. Thank you.